President Bolsonaro, President Putin, President Xi, President Ramaphosa, मुझे मित्र देश ब्राजील की सुंदर राजधानी में 11वें ब्रिक्स समिट के लिए आकर भव्य सागर और समिट के बेहतरीन व्यवस्था के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति बोल्सोनारो को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। एक्सेलेंसी समिट की थीम इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर बहुत ही सटीक है। इनोवेशन हमारे विकास का आधार बन चुका है, इसलिए आवश्यक है कि हम इनोवेशन के लिए ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग मजबूत करें। ब्राजील ने स्वयं इनोवेशन और व्यावहारिक सहयोग के लिए कई सफल कदम उठाए हैं। आने वाले वर्षों में भी ब्राजील के इनिशिएटिव पर हमें कार्यरत रहना चाहिए। एक्सेलेंसीज, 10 वर्ष पहले वित्तीय संकट और कई आर्थिक समस्याओं के समय ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी। 2009 में यकातरीन बर्ग से शुरू हुई यात्रा कई उल्लेखनीय पड़ाव पर कर चुकी है। इन वर्षों में ब्रिक्स देश वैश्विक आर्थिक वृद्धि के प्रमुख इंजन रहे हैं और पूरी मानवता के विकास में हमारा योगदान रहा है। साथ ही शांतिपूर्ण, समृद्ध और मल्टीपोलर विश्व के प्रमुख कारक के रूप में हम उभरे हैं। एक्सेलेंसीज, अब हमें अगले 10 सालों में ब्रिक्स की दिशा तथा आपसी सहयोग को और प्रभावी बनाने पर विचार करना होगा। कई क्षेत्रों में सफलता के बावजूद कुछ क्षेत्रों में प्रयास बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। ग्लोबल इकोनॉमी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें ब्रिक्स मैकेनिज्म और प्रोसेस को अधिक एफिशिएंट तथा आउटकम ड्रिवन बनाना चाहिए। हमें आपसी व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इंट्रा ब्रिक्स व्यापार विश्व व्यापार का सिर्फ 15% है, जबकि हमारी सम्मिलित आबादी दुनिया की आबादी की 40% से भी ज्यादा है। पांचों देशों में सर्विस सेक्टर जीडीपी का बड़ा हिस्सा है, इसलिए सर्विसेज में व्यापार को बढ़ाने की अच्छी संभावनाएं हैं। इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड की लागत को भी कम करना जरूरी है। हमारे ट्रेड मंत्री इसे 5% कम करने के लक्ष्य पर विचार कर सकते हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन और सरल कस्टम्स एवं बैंकिंग प्रोसेस में सहयोग के जरिए व्यापार में और गति आएगी। ट्रेड प्रमोशन एजेंसीज के बीच समझौता हमारे बीच $500 बिलियन के ट्रेड टारगेट को जल्द हासिल करने में मदद करेगा। एक्सेलेंसीज, मुझे प्रसन्नता है कि ब्राजील के नेतृत्व में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी पर बल दिया है। आई ब्रिक्स नेटवर्क नया साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन आर्किटेक्चर, ह्यूमन मिल्क बैंक और ब्रिक्स इंस्टीट्यूट और फॉर फ्यूचर नेटवर्क्स के निर्माण जैसे कई इनिशिएटिव लिए गए हैं। ये प्रयास ब्रिक्स में इनोवेशंस, इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी में उद्यमियता को बढ़ावा देंगे। ब्रिक्स स्टार्टअप चैलेंज को और हैकेथॉन भी इस उद्देश्य में सहायक होंगे। इन प्रयासों में मेडिकल डिवाइस, ऊर्जा के नए विकल्पों और दिव्यांग तथा बुजुर्गों के लिए इनोवेशंस को प्राथमिकता दी जा सकती है। इन पहलों से हमें समाज के लिए उपयोगी रिसर्च को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। इस दिशा में भारत ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ समिट का आयोजन करेगा। इसे स्वस्थ जीवन शैली के लिए इनोवेशन सॉल्यूशंस को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। हाल ही में भारत में हमने फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि फिटनेस और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे बीच संपर्क और आदान प्रदान बढ़े। स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रेडिशनल नॉलेज पर हम
जो देशों में है इसे परस्पर मान्यता देकर और इस क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाकर हम हजारों साल से संभाली इस विद्या का फायदा पूरी मानवता तक पहुंचा सकते हैं। इस विषय में ब्रिक्स देशों के बीच एक एमओयू करने का सुझाव भी मैं देना चाहूंगा। एक्सलेंसीज, ब्रिक्स वीमेन बिजनेस अलायंस की स्थापना पर मैं सभी सदस्यों को बधाई देता हूं, खासतौर पर राष्ट्रपति पुतिन को इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में पिछले 5 सालों में हर क्षेत्र में वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है। पिछले इलेक्शंस में महिला मतदाता पहली बार पुरुषों की संख्या के बराबर रही और अब तक सबसे अधिक संख्या में महिला उम्मीदवार विजयी भी हुई। हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इलेक्टेड वुमेन्स लीडर संख्या करीबन 14 लाख से ज्यादा है। मैटरनिटी लीव हो या वेतन में गैप कम करना, महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण के लिए पिछले 5 सालों में हमने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक्सलेंसी, हमारे देश पर क्लाइमेट जोन्स को कवर करते हैं, बाढ़ग्रस्त इलाके हो या सूखा पीड़ित क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र हो या रेगिस्तान, अर्थक्वेक जोन्स वगैरह हमारे देशों में मौजूद है। शहरी क्षेत्रों में सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और सैनिटेशन महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। मैं भारत में ब्रिक्स वाटर मिनिस्टर्स की पहली बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव करता हूं। एक्सलेंसीज, मल्टीलेटरलिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड और रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछले साल हमने रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म पर जोर दिया था। मुझे खुशी है कि इस समिट का ज्वाइंट स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता को मान्यता देगा। यूएन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत बनाने और उनमें सुधार लाने के लिए हमें सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए। एक्सलेंसीज, विश्व युद्ध जैसे खतरों से मानवता दूर आई है, लेकिन विकास और सुख शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। 10 सालों में आतंकवाद के हाथों 2.25 लाख जीवन मिटे और समाज को गहरी क्षति हुई। इसके अलावा विभिन्न अनुमानों के अनुसार $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान विश्व की अर्थव्यवस्था को हुआ और विकासशील देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ को 1.5% तक का को उसने कम किया है। आतंकवाद, टेररिज्म फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम से बना संशय का वातावरण व्यवसाय और व्यापार को गहरा अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाता है। मुझे खुशी है कि ब्रिक्स स्ट्रेटजीज फॉर काउंटरिंग टेररिज्म पर हमला पहला सेमिनार आयोजित किया गया। हम आशा करते हैं कि ऐसे प्रयासों और 5 वर्किंग ग्रुप की गतिविधियां आतंकवाद और दूसरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के खिलाफ ब्रिक्स सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाएंगी। इस दिशा में भारत आतंकवाद की डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस पर एक वर्कशॉप का आयोजन करेगा। एक्सलेंसीज, हमारे बीच बढ़ते पीपल टू पीपल संबंध हमारी पार्टनरशिप को ऊर्जा देंगे। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। ब्रिक्स देशों के बीच यूथ समिट का आयोजन करना चाहिए। इसमें स्टार्टअप्स, हैकेथॉन, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी जैसी गतिविधियों में बड़ी संख्या में 5 देशों के युवा हिस्सा लें। भारत में ब्रिक्स देशों के विद्यार्थियों को ब्रिक्स से संबंधित विषयों पर अध्ययन के लिए हर साल इंटर्नशिप और फेलोशिप दी जाएगी। हमारे देशों के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने पर भी हमें विचार करना चाहिए। भारत को इस बारे में पहल करके खुशी होगी। फिल्म्स हमारे लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने का महत्वपूर्ण जरिया हो सकती हैं।
भारत में कई भाषाओं में और विश्व में सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। भारत अगले वर्ष मार्च में मुंबई में ब्रिक्स फिल्म्स टेक्नोलॉजी सिंपोजियम आयोजित करेगा। मुझे खुशी है कि हमारे देश वीजा आदि की व्यवस्थाओं में सुगमता ला रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बोल्सोनारो द्वारा भारतीयों के लिए ब्राजील में वीजा फ्री एंट्री की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। वीजा सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट और क्वालिफिकेशंस के म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन से हम 5 देशों के लोगों को परस्पर यात्रा और काम के लिए और अनुकूल माहौल मिलेगा। एक्सलेंसीज, अंत में राष्ट्रपति बोल्सोनारो को उत्कृष्ट व्यवस्था और ब्रिक्स के प्रभावशाली नेतृत्व के लिए एक बार हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। आने वाले वर्ष के लिए ब्रिक्स के अध्यक्ष रूस को भी मैं बधाई और भारत के पूरे समर्थन का आश्वासन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।